गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेस एंड साल्ट। हमने कुछ इंडिकेटर पढ़े थे एसिड बेस को अलग करने के। अब हम एक दो टर्म और यूज करते हैं एसिड में। एक होता है कंसंट्रेटेड, ऐसे लिखा होता है कंसंट्रेटेड एसिड, और एक लिखा होता है डाइल्यूट एसिड। इनमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, तो एसिड की बोतल के ऊपर एक किसी के ऊपर कंसंट्रेटेड लिखा होता है, किसी के ऊपर डाइल्यूट लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है, मिनिमम वाटर उसमें ऐड किया हुआ है, वो क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड। और जिसमें पानी मिला हुआ है, जिसमें पानी पानी मिला दें, उसको क्या कहते हैं हमें? डाइल्यूट एसिड। जिसमें पानी मिला दें उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। जिसमें पानी मिला हुआ होगा, एसिड की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, डाइल्यूट बोलते हैं उसको। जिसमें पानी का मात्रा कम होगा वो कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, आपकी बात समझ में? कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है। अब हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दें। मान लीजिए इस बोतल में, इस बीकर में एसिड है और उस बीकर में क्या है? पानी है। हम डाइल्यूट कैसे करते हैं एसिड को, वो देखना है हमें। मान लीजिए इसमें क्या है? एसिड है और इसमें क्या है? H2O है। एक में क्या है? एसिड है और एक में क्या है? वाटर है। ध्यान दे भाई थोड़ा सा, हमें ये नहीं करना है, हम एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाएंगे, हम एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाएंगे। क्योंकि एसिड के अंदर जब हम वाटर मिलाएंगे, एक बूंद डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, एकदम से बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा और पानी भाप बन के बाहर निकलेगा, तो आपके चेहरे के ऊपर जल सकता है। ऐसे पानी बाहर निकलेगा, एकदम से फ्लैश होगा बाहर, तो क्या हो सकता है? आपका चेहरा जल सकता है। जब भी डाइल्यूट करना होगा तो ड्रॉप वाइज ये काम नहीं करेंगे। ड्रॉप वाइज क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। किसके अंदर? पानी के अंदर। एक साथ नहीं, बट ड्रॉप वाइज डालेंगे, क्योंकि एक बूंद डालेंगे जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, थोड़ी बहुत हीट होगी, वो आराम से बाहर निकल जाएगी, ज्यादा गर्म नहीं होगा। फिर एक बूंद डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे डाइल्यूट करेंगे। पानी के अंदर एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर पानी। अगर एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो हम क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं। बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, एकदम से एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो ये डाइल्यूट करने का तरीका, डाइल्यूट बता दिया, जिसमें पानी मिला हुआ हो डाइल्यूट, जिसमें पानी की मात्रा कम हो तो वो डाइल्यूट नहीं होता। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अगर बोल लें, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? एसिड आर श्योर इन टेस्ट, एसिड आर श्योर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड में कलर कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड के सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। मान लीजिए प्योर वाटर है, इसमें मान लीजिए प्योर वाटर है, प्योर वाटर एसिड का क्या नहीं होता? कंडक्टर नहीं होता। मींस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, सॉरी एसिड का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। लेकिन इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दें, बेस मिला दें या साल्ट मिला दें, तो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। एसिड मिला दें, बेस मिला दें या साल्ट मिला दें, तो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास को एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये पहली प्रॉपर्टी श्योर टेस्ट है। दूसरा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तीसरा, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी, या मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल रिएक्शन ये हो जाएगी, मेटल कोई भी हो, मेटल प्लस एसिड कोई भी हो, तो क्या बनेगा? मेटल साल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, मान लीजिए जिंक मेटल है, ये रिएक्ट करेगी HCl के साथ, ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो एक तो क्या बनेगा मेटल साल्ट और एक क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस। मेटल का साल्ट ZnCl2 प्लस H2, ये बैलेंस करना मैंने सिखाया था, आप इस रिएक्शन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन एक जिंक, ठीक है, बैलेंस हो गया मेटल का साल्ट, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और मेटल का साल्ट बनाएगा भाई। अब हमें कैसे पता चला है जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि गैस का कोई कलर नहीं होता, कलर देख के नहीं बता सकते, कलर्ड नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती गैस, तो हम इसका कैसे पता करेंगे कि मान लीजिए गैस जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो उसके लिए मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये जिंक है, किसी टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक का मेटल लिया हुआ, मान लीजिए जिंक के बारीक टुकड़े पीस के इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया मैंने, HCl डाल दिया, और इसको बंद करके एक पाइप लगा दिया गैस को बाहर जाने के लिए। पहला तो हम ये देखें गैस बाहर आ रही है या नहीं आ रही, तो इसमें पानी भर देंगे, अगर बबल्स आएंगे बुलबुले निकलेंगे पानी में से, तो क्या बाहर निकल रही है, पहली बात तो गैस बाहर निकल रही है, उसके बाद इसका टेस्ट करें जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी गैस है। इसके पास एक जलती हुई कैंडल लेके आए, जलते हुए माचिस की तीली या कैंडल लेके आए, तो ये गैस जो है वो पोप साउंड के साथ जलना शुरू कर देती है, पोप साउंड के साथ जलना शुरू कर देती है। अगर पोप साउंड आती है मीन्स एक्सप्लोसिव होती है, फक जैसे बोलते हैं ऐसी आवाज आती है एकदम से, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसका कह सकते हैं हम कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। जिंक की मेटल था, मेटल के अंदर एसिड मिलाया, तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हमने इसका टेस्ट कर लिया जलती हुई कैंडल या फिर क्या ले जाके इसके पास, माचिस की तिल्ली ले जाके हमने इसको क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। दूसरा और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ये तो मेटल के साथ हो गया, नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी होगी शायद एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2-। मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला, कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, इसके साथ अगर कोई मेटल लगा दे मान लीजिए सोडियम लगा दिया तो क्या बन गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल का कार्बोनेट। इसके साथ मेटल लगा देंगे तो किसी भी मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम लगा देंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम लगा देंगे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जिंक लगा देंगे जिंक कार्बोनेट। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, जनरल रिएक्शन दिख रहा है उसमें, अब फिर कोई भी किसी के ऊपर भी अप्लाई करना सबके ऊपर अप्लीकेबल होगा, पहला क्या बनेगा साल्ट बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगा और H2O बनेगा। इस बात का ध्यान दें, जब भी मेटल कार्बोनेट में एसिड डालोगे मेटल साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मान लीजिए मैं इसी की बात कर रहा था सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 प्लस मैंने क्या मिला दिया इसमें, HCl मिला दिया, प्लस मैंने इसमें क्या मिला दिया, HCl मिला दिया, तो देखो बनेगा क्या, मेटल का साल्ट, मेटल और क्लोरीन का क्या बनेगा साल्ट, NaCl प्लस क्या बनता है CO2 प्लस क्या बनता है H2O प्लस क्या बनता है H2O। ये हमें एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, जब भी मेटल कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो मेटल का साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये को बात कॉमन रहेगी सब में, ये मेटल का साल्ट अलग हो सकता है, या मैग्नीशियम लोगे MgCO3 प्लस
प्लस एच सी एल, तो किसका साल्ट बन जाएगा ये, मैग्नीशियम का, एम जी सी एल टू प्लस सी ओ टू प्लस एच टू। ये वाली बातें सब में सेम रहेंगी, ये एसिड चेंज हो सकता है, मेटल साल्ट चेंज हो सकता है, मेटल का कार्बोनेट या मेटल कौन सी भी लगा दोगे उसी का कार्बोनेट बन जाएगा, एल्यूमिनियम लगाओगे एल्यूमिनियम कार्बोनेट का, रिएक्शन करवा देना ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल रही थी, CO2 गैस बाहर निकल रही थी। मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूँ रिएक्शन, Na2CO3 प्लस HCl क्या बन गया, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब ये जो गैस बाहर निकल रही है CO2, इसका भी अगर हमें पता करना हो, क्योंकि CO2 का कोई कलर तो होता नहीं कि नीले कलर की होती है तो CO2 होती है, रेड कलर की होती है तो हाइड्रोजन होती है, ऐसा तो होता नहीं, गैस क्या होती है, कलरलेस होती है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन मैंने पहले भी करवाई थी व्हाइट वॉशिंग, अगर आपको ध्यान हो, हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में बुझा हुआ चूना लेते हैं, बुझा हुआ चूना होता है जिसमें सी ए ओ में क्या मिला हुआ हो, पानी, तो उसका बनता है सी ए ओ एच टू, उसका क्या बनता है सी ए ओ एच टू बनता है भाई। ये है कली का फॉर्मूला बताया था मैंने, सफेदी का, उसमें पानी मिलाते हैं तो ये वाला बनता है, ये वाला मान लीजिए हम इसके अंदर भरते हैं, किसके अंदर भरते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरते हैं सी ए ओ एच टू, जब इसमें से सीओ टू गैस पास करवाते हैं तो इसका कलर हो जाता है मिल्की वाइट, इसका कलर हो जाता है मिल्की वाइट। अगर ऐसा पास करवाने से कोई गैस, अगर इसमें से पास करवाने से मिल्की वाइट हो जाता है तो उस गैस को हम क्या कह सकते हैं, कौन सा गैस है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सी ए ओ एच टू के अंदर जब हम सीओ टू गैस पास करवाते हैं तो बनता है सी ए सीओ थ्री, जिसका कलर होता है वाइट प्लस एच टू ओ, सफेदी जैसी होती है, मैंने कहा था सफेदी को दीवार के ऊपर करने के बाद दो या तीन दिन के बाद वो ज्यादा वाइट दिखने लग जाती है, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट में CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है वो, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है वो मिल्क जैसा सफेद होता है, दूध जैसा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिल्की वाइट। अगर हमें पता करना हो CO2 गैस है या नहीं तो हम CaOH2 को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर से हम क्या पास करवाएंगे, CO2 गैस पास करवाएंगे, अगर उसका रंग सफेद तो हो गया तो मैं कह दूंगा वो CO2 गैस है, अदरवाइज कोई और गैस है, अगर रंग उसका सफेद नहीं हुआ तो, समझ गए होंगे आप। हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे किया मैंने, जलते हुई माचिस ले जाके CO2 का टेस्ट कैसे किया, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं इसका फॉर्मूला, इसका नाम है सेलेक्ट लाइम, केमिस्ट्री में इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम में से CO2 पास करवाओगे तो अगर मिल्की वाइट हो जाता है तो हमें कहूंगा वो गैस क्या है, CO2 गैस है, आपने जो गैस पास करवाई है वो गैस कौन सी है, CO2 गैस है। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद बेस, छठा प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोल्ट प्लस वाटर, एसिड और जब बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर एंड सोल्ट बनता है, एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो साल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। मैं एक एसिड लेता हूं, एक बेस लेता हूं और उसका रिएक्शन करता हूं, ये एसिड है HCl और ये NaOH क्या है, बेस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस को क्या बोलते थे हम, हाइड्रोक्साइड, नाइन्थ क्लास का भाई पेज नंबर 135 जरूर देखें, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, फॉर्मूले पता होना चाहिए, हम इसी से नाम बनाते हैं, ये सोडियम है ये हाइड्रोक्साइड है, नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो बनता है NaCl, इसके साथ ये वाला मेटल एक्सचेंज हो जाता है प्लस H2O, क्या बन गया, साल्ट प्लस वाटर। अब मान लीजिए किसी को ज्यादा खाने से एसिडिटी हो गई तो हम उसको क्या देते हैं, बेस देते हैं भाई, एसिड में क्या मिलाते हैं, बेस मिलाने से वो एसिड खत्म हो जाता है, क्या बन जाता है, साल्ट प्लस
वाटर, मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो गई तो उसको दूर करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, बेस का डोज देते हैं, ताकि वो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ गए होंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मैं बताऊंगा इसको एसिड क्यों बोलते हैं, इसको बेस क्यों बोलते हैं, एसिड और बेस की पहचान बताऊंगा कि कौन से एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं। जितना पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़े भाई। धन्यवाद, हैव ए वेरी नाइस डे।